السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي آه والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم आप सबको महराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे तमाम गुनाह को इस मुबारक रात के सदक़े में बख्श दे हमें नमाजी बना दे, हमें ईमान के साथ अमल करने वाला बना दे, और हमारे तमाम सागिरा व काबिरा गुनाहों को बख्श दे आमीन अल्लाह ताला ने भी नबी करीम अलैहि वसल्लम को महराज की रात को आसमान मानव पे तमाम निशानियाँ दिखाई और अल्लाह ताला ने अपनी मुलाकात के लिए जो है ना नबी करीम अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ़ बुलाया अब ये जो महराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इसमें जो है इसमें अहला इलाहा इल्लल्लाह की भी तालीम दी गई है अली फरमाते है और महमद रसोल सल्हलम की भी तालीम बताई जाती है अली फरमाते हैं और साइंस तकबर है इसको साइंस में तकब्बर है कि साइंस कहती है कि साइंस ही सब कुछ है मौलिया फरमाते हैं साइंस सवाल करती है कि हरकत किसने की कोई चीज़ हरकत कैसे करती है ओलियाल्ला इसे आसान कर कर बताते हैं कि जो इसे आसान कर कर आप बताते हैं सुर बनी इसराइल की आयसे सुबहान लजी असरारुल बी अब दि ललमल मस्जिदराम मिनल मस्जिद अक्सा के कि हरकत किसने की अली अल्लाह इस से फ़रमाते हैं कि पाक है वो ज़ात जिसने हरकत दी और सुबह क्या होता है अल्लाह ताला सुबह है कोई सुबह नहीं सुबह क्या है अल्लाह ताला हर नख्श से पाक है मतलब कोई नक्स नहीं है अल्लाह ताला ने क्या फरमाया मैंने अपने हबीब को बुलाया तो मेरे अंदर कोई नक्स नहीं है अल्लाह तुबहान है यानी अल्लाह ताला हर कमज़ोरी से पाक है ला अला से हम क्या सीख रहे कि अल्लाह कमज़ोरी से भी पाक है अल्लाह ताला ऐब से भी पाक है कोई ऐब नहीं है तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह ताला है पहले हमें हमें जो है अकीदा दुरुस्त करना है बुलाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है बुला बुलाने वाले अल्लाह ताला है अल्लाह तुदरत रखते हैं अल्लाह ताला बेऐब है अल्लाह तक से पाक है अल्लाह ताला हर कमज़ोरी से पाक है तो बुलाने वाला अल्लाह ताला, बुलाने वाला कौन है अल्लाह ताला? अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं मैंने हरकत दी मैंने अपने हबीब को बुलाया मैंने बुलाया किस को बुलाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और किस वक्त बुलाया रात को बुलाया और कहाँ से बुलाया मस्जिद से मस्जिद अक्सा और सफ़र कहाँ तक हुआ आसमान तक मतलब हरकत देने वाला भी अल्लाह ताला है मैं मैं अल्लाह हरकत देने वाला कौन है अल्लाह तै यहाँ पे शायद में क्या फिर मैं हरकत देने वाला भी मैं हूँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमी बताई गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र है पहले तो घर से काबे शरीफ़ के तरफ़ है जो है ना जिब्राइल अलैहि सलाम के जिब्राइल अलैहि सलाम के साथ आके साथ मैं गया फिर जो है ना काबे शरीफ़ से मस्जिद से मस्जिद अक्सा तक फिर मस्जिद अक्सा से पहले आसमान तक फिर दूसरे आसमान तक फिर तीसरे आसमान तक फिर चौथे आसमान तक फिर पाँचवें फिर छठवें और फिर सातवें आसमान का सफ़र हुआ ये सवारी मैं मैंने की क्या है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र था जो भी ट्रैवलिंग सहर है थी इसमें नबी करीम अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सवारियों का इंतज़ाम किया यानि ज़िब्रा व्लम से अलैहिस्सलाम का सफ़र सवारी थी बुर्रह का इंतज़ाम किया गया फिर जो है ना नूरानी सीढ़ी थी मस्जिद अक्सा से जो है आसमान तक नूरानी सीढ़ी थी और पहले आसमान से सातवें आसमान तक फरिश्तों के परों पर फिर सातवें आसमान से फिर मुंतहा तक जो है ना न अलैहिस्सलाम के परों पर और मुंतहा से कुछ वक्त तक रफ रफ की सवारी थी ये जो है ना सवारी हम समझ रहे थे ये सवारी है मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रसूल है यहाँ बताया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु पे आप बोल रहे हैं। मैंने, मैं रसूल हूं। ये तो मुझे अल्लाह ने दी है ये तो मैं, मैं, तो मैं आया हूँ या तो मैं आया हूँ सलाम के जरिए ये तो दिखा रहे हैं और इल्लल्लाह भी देख रहे हैं मोहम्मद अलैहि वसल्लम को देखना देखो कि मैं रसूल हूं। कैसा हूँ मेरे अलावा कोई रसूल नहीं है मैं रसूल तो हूँ तमाम अमियाँ सलाम का रसूल भी हूँ आदमी सलाम का भी रसूल हूँ इब्राहीम का भी रसूल हूँ तो वो एक हदम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिए ये तमाम ट्रैवल जो भी हुआ जो नबी करीम नबी अलैहि वसल्लम ने लिया उतना सफ़र तय हुआ दूसरा कदम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बता रहे मैं रसूल हूँ कैसा रसूल हूँ देखो ये कैसा रसूल हूँ देखो आप यहाँ पर फरमा रहे हैं यानी कि वो प्लस आप, आपके मुबारक घर का जितना भी सफ़र हुआ दूसरे कदम में जो तय हुआ ये एड ऑन हो रहा है यहाँ पे तो नबी करीम अलैहि वसल्लम बता रहे कि मैं बुर्राह का भी मोहताज नहीं हूँ मैं जब्राहम का भी मोहताज नहीं हूँ मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है अल्लाह ताला ने मुझे रसूल बनाया है मैं अल्लाह ताला का मोहताज हूँ मुझे अल्लाह ताला ने रसूल बनाया है अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है अता करते हैं और मैं तस्कीम करता हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे रिसालत के पवर दिए ये मौजज़ात जो भी दिए अल्लाह ये ये पावर्स जो भी दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया हम हम अब ये देखते हैं असल चीज़ जो हमें मिली है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात कहीं तोहफे मिले हैं कहीं राज है अल्लाह बताते हैं कि एक जो तोहफ़ा है हम पे आम है वो नमाज है अब ये नमाज का तोहफा हमने कैसे लिया नमाज के तोहफे का हक हमने कैसे अदा किया एक तो ग्रुप ऐसा है हम नमाज ही नहीं पढ़ते एक ग्रुप ऐसा होता है नमाज पढ़ते मगर नमाज जो है ना उनके लिए नमाज ज़बरदस्ती होती है और एक ऐसा नमाज जो है ना इसलिए पढ़ते हैं लोग के लिए पढ़ लोगों के लिए पढ़ते हैं एक तो ऐसा है अलियाल्ला की जमात की नमाज होती है यानी कि अल्लाह वालों की जमात होती है यानी कि मोमिनून के तहत पढ़ते हैं तो एक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है अब नमाज तोहफा है तोहफे का हक हमने अदा कैसे किया है अब उसे समझते एक मिसाल से अब करीम सल अलैहि एक मरतबा ऐशा बीबी ऐशा सदीक रजून रम फरमाती है कि फ़रमाते हैं कि ऐशा जो मांगना है मांगो मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरिया रहमत जोश में था तो मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसम खुद से नहीं कहते थे मतलब अल्लाह ताला की अता से कहते थे अल्लाह अल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह मैं क्या कह रहे हैं मैं ही इलाह हूँ मैं ही हाजत पूरी करने वाला हूँ मगर मिलेगा किसे मोहम्मद रसुल् सल्ला वम से यानी कि या यकीदा हमें दुरुस्त करना है अकीदा के साथ और अदब के साथ ही ये इबादत अल्लाह ताला के पास कबूल है नमाज़ का तोहफा कब मिलेगा कब मिलेगा हमें नमाज का तोहफ़ा का हक कब अदा करेंगे अकीदा अदब जब दुरुस्त होगा तब हमारी नमाज का जो तोहफ़ा है अदा कर सकेंगे ये मुहम्मद लाला सल्लल्लाहु रसुल्ल वम से ही हमारा जो है अकीदा दुरुस्त हो सकता है अल्लाह हमें समझाते हैं इसको हमें दुरुस्त करेंगे तो ही हमें थम तोहफ़े का हक अदा कर सकेंगे तो नबी ने क्या फ़रमाया ऐशा जो मांगना है मांगो खुद से उन्होंने खुद से नबी करीबल्ला वसलम नहीं करे अल्लाह ताला की मदद से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नब बीबी ऐशा सिदीक़ी तआला से कहते हैं कि ए ऐशा जो मांगना है मांगो अल्लाह ताला ने आपको जो है पावर्स दिए अल्लह के मैं मैं अल्लाह ताला ने क्या कहा कलीमे में कि मैं ही इलाह हूँ मैं अपने हबीब को पहुँच पहुँचाने वाला बनाया मेरे ज़रूरतों को पूरी करता हूँ मगर पहुँचाए पहुँचाऊँगा किसे नबी करीम वसल्लम ये उसूल है ये उसूल के बगैर कुछ भी नहीं है अल्लाह तालम हमत बनाए और कलीमे में कली कली कल, कलीमे में अल्लाह ताला क्या फिल्मा है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहि वसल्लम के बगैर पूरा नहीं हुआ कलीमा भी क्या हुआ नबी करीम सल वसलम के बग़ैर ये कलीमा पूरा नहीं हुआ तो अल्लाह ताली ने नबी करीम सल वसलम के बगैर फिर अल्लाह ताला ने नबी अल्लाह ताला जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े या पावर्स ये भी जो जो भी है अता करते हैं और तस अल्लाह ये मौजज़े जो भी पावर्स है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अता करते हैं ला 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 के साथ महमद् वसलम को भी रखा ये इम्पोटेंट है ये दिल में बैठाना चाहिए कि ये अल्लाह ला इला महमदल सल्सम इम्पॉर्टेंट और अकीदा और अदब ज़रूरी है उसके बाद उसके बाद तो नबी करीम सल वसलम ने सवाल किया यानी कि जब नबी करीम करीमल वसलम बीबी ऐसा सदी सल्लम को सवाल करते हैं कि एयशा जो मांगना है मांगो इस पर जब सवाल किया सवाल किया करने के बाद में बीबी ऐशा सिदीक रही कहती है कि थी या रसोल सल्ला से मैं अपने बाबा जान से पूछ लेती हूँ पूछ लेना चाहती हूँ यानी कि मैं अपने वाली वा, वाली से पूछ लेना चाहती हूँ देखिए अदब कैसा है आपके देखिए सवाल भी हुआ है और मुश, मुश, आ, आ, मशोरे के लिए क्या है हालांकि मांग सकती थी कुछ भी मांग सकती थी आप हज, आपने क्या कहा मैं अपने वालिद यानी कि अपने बाबा जान से पूछकर आपसे कहती हूँ आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक रसूल के पास जाती है जाकर आप फरमाती है बाबा जान मुझे जो है ना अल्लाह के रसूल जो है ना मुझे जो मांगना है मांगने के लिए कहा आपसे मैं मशूरा लेना चाहती हूँ करना चाहती हूँ क्या मांगूँ तो हज़रत अबू बकर रसूल तो फरमाते हैं आप कहते हैं ऐ मेरी बेटी आप नबी क़रीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाइए महराज की रात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई आपकी जब अल्लाह ताला से मुलाकात हुई तो बहुत ख़ास बातें हुई हैं अल्लाह ताला रसूल अल्लाह के रसूल की बेहतर जानते हैं कि ये खास बातें में से नबी करीम अलैहि वसल्लम फरमाया कि उन खास बातों में से एक ख़ास बताइए बात बताइए देखिए आप क्या मांग रहे हैं तो आप दीन मांग रहे हैं दुनिया की तलब नहीं है अम्बिया के बाद जो मुक़ाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रसूल अल्लाह सदीक रसोल्ल तय तो आप क्या फरमा रहे हैं मांगना है तो ये मांगो मेरा ये मशवरा है आप जाती है बीबी आयशा सिद्दीक रसूल एशा सदीक रसोल वो जाकर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अपने बाबा जान से मशवरा किया है वो कहते हैं कि जो महराज की रात इतनी सारी बातें उसमें से जो ख़ास जो भी ख़ास बातें उसमें से एक ख़ास बात बताने के लिए बात बताने के लिए जो फ़ायदेमंद है वो बात बताइए फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा गए मतलब सेलेक्शन कितना प्यारा है आपका देखिए हज़रत अबूब का सदिक रज़ी तहू ही ये कर सकते ऐसा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो अल्लाह ताला से ख़ास बातें हुई है अब ये ख़ास बातों में से जो एक ख़ास बात ये है कि अल्लाह ताला ने उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई शख्स किसी दूसरे शख्स का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो अल्लाह ताला बिला हिसाब किताब उन्हें जन्नत में दाखिल कर देंगे यानी कि टूटा हुआ दिल किसका बंदे का टूटा हुआ दिल औली फरमाते हैं दो किस्म के टूटे हुए दिल होते हैं एक तो माँ बाप का टूटा माँ बाप का औलाद से टूटा फूट जाता है बीवी शौहर से जो ताल्लुक टूट गया यानी औलाद की नाफरमानी माँ बाप से ये ये दो से क्या होता है दिल टूट जाता है उसी तरह से बीवी शौहर की बीवी या अगर शोहर की नाफरमानी करे या ना शोहर बीवी की नाफरमानी करे ना फरमानी कर दिल टूट जाता है मतलब एक भाई बहन का भाई बहन का भाई भाई में झगड़ा होने पर क्या होता है दिल टूट जाता है और एक टूटा हुआ दिल जो है ओली फरमाते हैं एक खालिक का और मखलूक का दिल टूट जाता है टूट गया यानी एक खालिक होता है एक मखलूक का होता है मखलूक होता है यानी खालिक और मखलूक के बीच का दिल ताल्लुक है जो अकीदा है जो गठजोड़ है जो बंदे का रब से रिश्ता है वो टूट गया और फरमाते ये रिश्ता जोड़ना है ये हम ये अहम है यानी कि बंदे और रब के दरमियान जो ताल्लुक़ है जो गठजोड़ है उसे जुड़ाना है वो ताल्लुक़ को वो वो जुड़ाना है ये अहम है ये असल अकीदा जब तक ये दुरुस्त नहीं करेंगे हमारी इबादत दुरुस्त नहीं होगी ये अकीदा ये गर्जो जो भी रिश्ता ये दुरुस्त करना है ये असल है ये 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 करना है ये कौन करने वाला है ये कौन करेगा वारिसीन नबी करीम अलैहि वसल्लम के वारिसीन वो करेंगे तो हमारे लिए जो रहनुमा है अलियाल्ला तो हमें उन उनको फॉलो करना है ये रिश्ता कब बनेगा ये जो रिश्ता टूट गया है माँ बाप के दरमियान माँ बाप और औलाद के दरमियान बीवी शोहर के दरमियान शोहर बीवी के दरमियान ये सम, सब सब तमाम रिश्ते कब दुरुस्त होंगे तब कब जब ये रिश्ता दुरुस्त होगा यानी कि बंदा और मखलूक खालिक और मखलूक के दरमियान का रिश्ता यानी कि ये कब दुरुस्त ये जब दुरुस्त हो जाएगा तो तमाम जो भी रिश्ते हैं वो भी दुरुस्त हो जाएंगे और ये जो रिश्ता है बंदे बंदा और खालिक यानी कि मखलूक और खालिक के दरमियान जो भी ये रिश्ता है जो भी ताल्लुक है ये कब दुरुस्त होगा में से लाला महमूद रसुल्ल वम ये जब दुरुस्त होगा तो तमाम दुरुस्त रिश्ते दुरुस्त हो जाएंगे अदब जो भी मामला है सब दुरुस्त हो जाएंगे तो सबसे पहले हमें ला इहमद रसल्स ये इम्पोर्टेंट है ये आ गया तो हमारा अदब इबादत भी फ़ायदेमंद होगा तो हमारे मामला भी फ़ायदेमंद होंगे हमारा जो मखलूक से मामलाते हैं वो भी दुरुस्त होंगे तो ये रिश्ता क्या है बंदे और रब का रिश्ता है ये बंदे का दिल मौला से जुना जुड़ना जुड़ गया यानी इंसान का जो हमारा दिल है मौला से टूट जो टूट गया है जो ताल्लुक़ टूट गया है और ये ये ताल्लुक किस से जुड़ जुड़ जाएगा मखलूक़ से बन गया है ये क्यों बन गया है हम हमारे दिल में ये बैठा लिए हमारी जो ज़रूरतें जो हाजतें जो पूरी है मखलूक़ के बगैर कोई गुजारा यानी कि मखलूक पूरी है और हम ये हैं कि मखलूक़ के बगैर कोई गुजारा नहीं है तो यानी कि पैसों के बगैर कोई ज़रूरत हमारी पूरी नहीं होती अगर डिग्री है तो ही हम जो है ये यानी कि सर्टिफिकेशन रहे तो ही हम हमें नौकरी मिलेगी हमें ये सब करना है यानी कि हमें जो है ये जब ये सब करना है इसबाक का हमें अख्तियार करना है मगर हमें जो है इसबाक को तन नहीं करना है मगर जो जो ताल्लुक जो रिश्ता है जो गठजोड़ है वो हमें एक, एक, एक जो है जो भी हमारी हाजतें पूरी करने वाला है कौन है लल्ल तौ है हम कलीबे में क्या सीख रहे हैं ला इलाहा है इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी हाजतें जो पूरी करता है वो कौन है अल्लाह तल है हमें जो है नौकरी करना है हमें जो है पढ़ना है ये इम भी हासिल करना है मगर हमें जो है दिल में इनकी हाजत पर दिल में नहीं बैठाना है तो, तो अग, अ, हमें नहीं बैठाना है मगर इसकी दिल में नहीं बैठाना है तो ये कब होगा जब बंदा बंदे और रब का जो ताल्लुक टूट गया है जुड़ गया अब ये ताल्लुक जो जुड़ा हुआ बंदे से बंदे का मखलूक से है यानी मखलूक़ का मखलूक़ से जो जुड़ गया है मखलूक से मामला करना है तो ताल्लुक़ करना है दीन के तह रखना है ये कैसा होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हमें जो है अकीदा दुरुस्त करना है और हमें ताल्लुक बताते हैं तो सबसे पहले हमें ला महमद रसुल की समझ होना चाहिए ये समझेंगे तो ये बंदे का रब से ताल्लुक़ दुरुस्त होगा खबर में जो जाते ही सवाल होगा बता तेरा रब कौन है ये ताल्लुक जब दुरुस्त होगा तो ही हम आलम बरसक में जो सवाल होगा तेरा रब कौन है तेरे पालने वाला कौन है अब ये ताल्लुक मखलूक से जुड़ गया तो कैसा जुड़ गया मखलूक के बगैर कोई गुजारा नहीं है मखलूक मतलब जो पैदा हुई है यानी कि पैसे क्या होता है पैसे पैदा हुई है उसे मखलूक कहते हैं अब पैसे पै, पैसे पैदा हुए यानी पैसे खुद से पैदा नहीं हुए प्रिंटिंग मशीन से निकलते बैंक बैलेंस पैसा बिल्डिंग नौकरी ये जो कुछ भी है हमारे एक कारोबार ये जो कुछ है जितना भी गोल्ड है इसके बगैर गुजारा नहीं है, है कह रहे हैं हम ये दिल में हमारे बैठ गया है ये दिल में रख रख लेके हम खबर में जा रहे मौत आ रही मौत से पहले हमें सुधरना है तो खबर में जाते ही तीन सवाल उसमें से एक सवाल क्या है तेरा रब कौन है और फरमाते हैं रब के माने क्या है पालने वाले क्योंकि रब और बंदे के बीच में जब अकीदा यानी कि ताल्लुक जुड़ा हुआ नहीं है और गठजोड़ जो सही नहीं है जब ये नहीं है तो ये सवाल हल हो रहा है तेरा रब कौन है तो हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये हमारे सवाल नमाज के होंगे नमाज के सवाल हशर के दिन है तमाम मामला जो है अमल के सब नमाज़ रोज़ा ज़क़़त ये जो भी तमाम मामला है हषर के दिन है क़यामत के दिन है और ये ये किसको है जिसका ताल्लुक दुरुस्त होगा और ताल्लुक जब दुरुस्त होगा तो बंदा वही सही नमाज़ पढ़ेगा वही सही रोज़ा रख सकेगा वही सही ज़क़त अदा कर सकेगा वही सही हज अदा कर सकेगा तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि शब महराज की

है नौकरी है पैसा है मग, मगर हाजत रवाई पर दिल में नहीं रखना है यानी कि ये जो जो भी हमने दिल में बैठा लिया ये नहीं रखना है जो आखी, जो अकीकी वारिसीन है वो नौकरी भी कराते हैं दीन की तालीम भी देते हैं ये कब ये कब सीखेंगे इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीखेंगे और सारा कुरान ला इलाहा ही सिखाता है महमद रसोल्ला से भी सिखाता है सारी हदीसें कलीमा यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह महमद्ल से भी सिखाती है ये इल्म वालों के पास आना पड़ता तो औलिया अल्लाह के पास हमें जाना ज़रूरी है हर बात कलीमे से ही आप लोग बताएंगे हम जब ये सीखेंगे तो कामयाबी है हम दूसरा इल्म सीख रहे कि सीख के समझेंगे हमने बड़ा हम हमने बढ़ा हम बड़ा काम कर दी यानी कि इंजीनियर बन गए बड़े साइंटिस्ट बन गए वो सारे बेकारे ये फना होने वाली है जो बचा रह गया है वो ला लाला महमद्स तो ये इम्पोर्टेंट है तो गर्जड़ पैदा करना है तो ये गड़जोड़ कब पैदा होगा कलीमे से होगा तो हमें कलीमा सीखना ज़रूरी है मैं हाजत रवा नहीं हूँ अल्लाह तला ही हाजर रवा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है तो इम हदीस से इम्पॉर्टेंट बात क्या समझने आई कि ताल्लुक बनाना है और ताल्लुक जब बन गया मोहम्मद रसूल अलैहि वसल्लम अल्लाह के तरफ से जो तोहफ़ा लेकर आए वो तोहफ़ा है नमाज तो नमाज का तोहफ़ा अब ये ताल्लुक बनेगा तो ये दुरुस्त होगी तो नबी करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि जो टूटा हुआ दिल जोड़ दे उसे हिसाब किताब जन्नत में डाल दिया जाएगा अब ये बात जो है अब वकर सिद्दीक तआला के पास जाकर बीबी आयशा सिद्दीक तआला फरमाती है ये बात आप ये बहुत बड़ी खुशी से बताती है आपके पास जाकर फिर आप ये सुनकर रो उठते हैं आप जब बीबी आयशा सिद्दीक सदीक रजूल तै कहती है आप क्यों रो रहे हो अबाजान? पे इस पर आप के फरमाते बेटे ये तो आप वसल्लम ने फरमा दिया ये बात कि इसका दूसरा रूह तो देखो जो किसी का दिल ही तोड़ दे तो इससे बात आप इसके ऊपर आप रो रहे हैं तो आपका ईमान देखिए आप ईमान की कैफियत देखिए आपकी आप सिद्दीकीन हैं आपको जो लखब जो है महराज की रात पर अल्लाह ताला ने दिया है इस बात पर आप रहे हालांकि आप पूरी कायनात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ने वाले हैं अम्बिया के बाद आपका मुख़ाम है जैसा मुकाम वैसी आज़ीज़ी है वैसा मरतबा है जब ये आज़ीज़ी बंदे के पास आती है तो बंदा सही इबादत करेगा सही आजीजी करेगा इबादत आजिजी मौला के सामने करना है मखलूक के सामने नहीं आजिजी क्या है मौला के सामने अपनी हकीकत को पेश करना है आजिजी कब आएगी कलीमे से आएगी तो कलीमा हमें सीखना ज़रूरी है हम पैसे पढ़कर समझ रहे हैं कि हमने इसका हक़ अदा किया हमें इसे पढ़कर समझना है ये शैतान का धोखा है हम क्या कर रहे हैं नमाज़ पढ़ लिए तो काफ़ी समझ रहे नमाज़ पढ़ना है नमाज कब कबूल होगी अमल कब कबूल होगा ईमान के साथ ही अमल कबूल होगा तो ईमान सीखना ज़रूरी है ईमान आने का ज़रिया क्या है ला अलैहि वसल्लम यानी कि जब क़लीमा सीख लेंगे तो बंदे का जो ताल्लुक़ है रब और मखलूक के दरमियान वो वो दुरुस्त हो जाएगा और नमाज अदा अच्छे से कर देगा नमाज तो नमाज़ का तोहफे का हक़ अदा कर सके जब बंदे में आजीजी आ गई तो और हदीस क्या है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया? नमाज़ के मुतालिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नम, नमाज सुकून है आजीजी नमाज है आजी के आजीजी के साथ गिड़गिड़ाना नमाज है खौफ़ नमाज है शर्मिंदगी नमाज है यह तोहफा है अल्लाह ने नबी करीम वसल्लम के ज़रिए भेजा हम देखें नमाज से हमें सुकून मिल रहा नमाज के सुकून नमाज़ सुकून के क्या नमाज सुकून का जरिया बन रहा बन रही हमारे लिए नमाज़ पढ़ते वक्त भी बेचैनी होती है हमें नमाज के बाद भी बेचैनी होती मतलब क्या है तोहफे का हमने हक अदा नहीं किया वो ताल्लुक मौला से नहीं जुड़ा कलीमा ला लादल ला हमने नहीं समझा कलीमा इम्पोर्टेंट है मौला के सामने हकीक़त को पेश करना है इल्म दीन सीखना ज़रूरी है महराज की रात नबी करीम वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो दोज़ख में मोहताजों की कसरत देखी फ़क़ीरों की कसरत देखी साहबा ने पूछा यार सल्सन ये किस चीज़ के मोहताज है किस चीज़ के फ़ीर है वो इम दीन के मोहताज है वो इम दीन के फकीर है इल्म दीन नहीं रहने से वो दो ज़ख़् में जा रहे ये नहीं कह ये नहीं रहने से क्या हो रहा वो यहाँ भी जलील हो रहे हैं वो दो ज़ख़ख़ख़ में भी जलील हो रहे इल्म दीन यानि इल्म ला इला आ गया तो नमाज में भी सुकून आएगा और नबी करीम सल वम ने क्या शर्फ फरमाया हदीस में कि मुसलमानों जो है जो जो है अच्छी तरह वज़ू करते हैं यानि हम अपने आप को ले लें हदीस के ज़रिए हमारी नमाज़ क्या है इम्प्रूवमेंट लाना अगर इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए तो इम्प्रूवमेंट

इनामत मिल रहे हैं मगर कंडीशन क्या है आप से से क्या है दिल की हाजिरी ज़रूरी है ये नमाज क्या है तोहफा है हमें तोहफे को ले लिया ले लिया या नहीं देखे हम देखें हमारे दिल हाजिर है या नहीं है अल्लाह ने हमें जिस्म दिया रूह दिया और खल भी दिया अब बंदा कब कहता है ये बंदा कब कहलाता है कि ये बंदा है बंदा का जब उसके जब अगर बंदे के दिल में रूह नहीं है बंदे के बन, बंदे के जिस बंदा के अंदर अगर रूह नहीं तो क्या है वो बंदा मुर्दा है हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं हम हम जिसम का डायरेक्शन काबिल शरीफ़ के तरफ हम बचपन में सीख लिए कि ये काबि शरीफ़ के तरफ हमें रूह कर कर पढ़ना है मगर असल में जो है अलिया फरमाते दिल भी हमें काबिल शरीफ के तरफ करना है यानी कि ये ताल्लुक ये ताल्लुक जब हो गया तो हमारा दिल भी काबा के तरफ होगा अब जिसम रुह खल्ब अल्लाह ने दिया ये तीन फरमाबरदार होना चाहिए यह रहे तो नमाज़ अल्लाह ताली के पास काबिल कबूल है हमें कोशिश करना है ये तीन रहे तो ही अलियाला क्या फरमा रहा है बंदा बंदा कहलाता है अगर बंदे के अंदर ये अगर तीन में से भी एक भी नहीं तो बंदा क्या है मुर्दा कहलाता है तो बंदे के अंदर आजीजी, बंदा आजीज पेश करेगा तो पेश करेगा तो रूह का काम क्या है इश्क और मोहब्बत करना है कल्ब क्या है इरफान से मोहला की पहचान हासिल करना है तो जिसम भी फरमा बर्दार होना चाहिए रूह भी फर्मा बरदार होना चाहिए भी फर्मा ये तीन भी जरूरी है हमें हम जिसम से पढ़ रहे फॉर एग्जाम्पल अगर से देख लिए देखे कि अगर पेन है पेन के अंदर जो रिफिल होती है रिफिल रि रिफिल होती है बग़ैर इंक के हम नहीं लिख सकते उसी तरह से बॉडी निकाल के अगर हम रिफिल से लिखे तो क्या होता हो तो है हाथ दर्द होता तो बॉडी भी ज़रूरी है रिफिल भी जरूरी है उसी तरह से जिसम रूह खल्ब भी ये फरमा होना चाहिए और अल्लाह ने क्या कहा मैं तो, तो, तो अल्लाह क्या कह रहे हैं मैं पाक हूँ मैं मेरे बंदे को ले गया मैं बंदे से क्या मुराद है जिसम खल्ब रूह भी है तीन का कंडीशन तीन के कॉम्बिनेशन क्या है ये? हमें दिख रहा है तो और हम दीन के फ़कीर है ये फ़कीरी दूर करने के लिए अलियाल्ला जरूरी है और हदीस शरीफ़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया कि जितना बंदे के नमाज में यानी कि जिसम और कल्ब की हाजिरी के साथ अगर बंदा नमाज पढ़ता है जितना जित जितना कल्ब हाजिर होगा उसकी नमाज उतनी काबिल कबूल होगी यानी कि ये नमाज क्या है तोहफा है पहला पहले हमें मोमिन बनाए यानी कि असलात महराज उलमोमिन कहा गया है यानी कि मोमिन बनाए और मोमिन मोमिन यानी कि जो ईमान वाला होता है वो मोमिन होता है और ईमान आने का ज़रिया क्या है ला इला महदूस वम ला इला महदूर वसलम सीखना ज़रूरी है जब ईमान आएगा तो ये हम जो है ये क्या है नमाज़ रोज़ा ज़क़ात हज अदा कर सकेंगे यानी कि अमल अल्लाह त के पास कबूल है ईमान के साथ ही अल्लाह त के पास कबूल है तो ईमान सीखना जरूरी है तो हमें है मोमिन बनने के लिए ईमान सीखने के इल्म ला इलाहा सीखना जरूरी है और में ला इला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहाँ मिलेगा और औलियाल्लाह के पास जो वारिसीन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए उन्हें हम उन, ये उन्हें हमें फॉलो करें फॉलो करें और ये लोग क्या करते हैं हमारा अकीदा दुरुस्त करते रब और बंदे के दरमियान अकीदा दुरुस्त कर जब ये अकीदा दुरुस्त होगा तो ही हमारे तमाम मामला दुरुस्त हो गए अगर ये अकीदा दुरुस्त नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे भी हम जब भी जलील होंगे और खबर में भी जाकर हमें हम जलील हो गए और ये नमाज की जो पूछ होगी अशहर के दिन होगी पहले हमें जाते जो ख़बर के सवाल हो गए तीन सवाल हो गए वो ईमान भी हो गए तो जब ईमान सीखेंगे तो ही हम जो है ईमान सीखेंगे तो हम ख़बर के सवाल के जवाब दे सकेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम से इशारा फरमाया जिसकी पहली मंजिल कामयाब उसकी तमाम आखिरत की मंजिल कामयाब यानी कि पहली मंजिल हमें कामयाब है अगर हम पहली मंजिल अगर कामयाब होगी तो ही हम जो है नमाज पूछ में यानी कि तमाम आखिरत के तमाम मंजिल में कामयाब हो गए तो हमें जो है ईमान सीखना शुरू ईमान सीखेंगे तो ही हमारी नमाज यानी कि दुरुस्त होगी नमाज दुर। यानी कि अमल अल्लाह ताला के पास कबूल हो गए ईमान के साथ ही अल्लाह ताला के पास अमल कबूल हो गए तो हमें नमाज <गर्य Elliot> नमाज क्या है हमारे लिए अल्लाह ताला के पास से तोहा है तो हमें तोहफ़ा ये जो है उसे उसे अदा कर उसे अदा करना है वो अदा कब होगा जब हमारा ताल्लुक जो गठजोड़ है जो रिश्ता है अल्लाह ताल से वो हमें दुरुस्त करना है तो दुरुस्त कब होगा जब हम ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखेंगे जजाकल्लाउर